नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, आपने प्राय देखा होगा कि जब आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो उपाय के तौर पर किसी न किसी तेल के माध्यम से उपाय बताता है कि इस तेल के माध्यम से आप यह उपाय करें तो आपको इस ग्रह की शांति मिलेगी। विभिन्न वृक्षों से हमें कुछ तेल प्राप्त होते हैं जिनसे हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे सरसों का तेल है, तिली का तेल है, चमेली का तेल है। इन तेलों का ज्योतिष में कई ग्रहों की शांति के लिए उपाय बताए जाते हैं। तो आज हम कुछ उपाय आपके लिए तेलों के माध्यम से बताएंगे कि किन तेलों के माध्यम से किस प्रकार से आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं या किस ग्रह को आप शांत कर सकते हैं। चमेली का तेल, चमेली का तेल जो है भगवान हनुमान जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। चोले के साथ में चमेली का तेल यदि आप प्रत्येक मंगलवार शनिवार को उन्हें अर्पित करते हैं तो वो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूरी करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना है, किसी प्रकार के आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके चोले के साथ में यदि आप चमेली का तेल उन्हें अर्पित करते हैं तो फिर वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धूप दीप आदि आपको जलाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि चमेली के तेल का हनुमान जी के लिए दीपक नहीं जलाया जाता बल्कि उनके शरीर पर उसे लगाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ मिलेगा। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह सर्वसुलभ एक उपाय है। यदि शनि का, यदि आपके कुंडली में शनि नीचस्थ हैं या शनि का किसी प्रकार का कोई भी प्रकोप आपके जीवन पर चल रहा है तो आपको जो है सरसों के तेल का छाया दान करना चाहिए शनि के लिए। शनिवार के दिन आपको जो है एक लोहे का छोटा सा आप एक कटोरा ले लें, उसको शनिवार को आपको परचेज नहीं करना, उसको एक दिन पहले पूर्व लेकर के आ जाएं, उसमें आप सरसों का तेल भर लें और उसके पश्चात इस प्रकार से अपना चेहरा उसमें देखें और चेहरा देखने के बाद में उस तेल को जो है आप पीपल के वृक्ष के पास में रख करके आ जाएं शाम के समय। तो इसे बोलते हैं छायादान। तो छायादान करने से शनि संबंधित जो है वो दोष आपके दूर होते हैं। लगातार यदि आप 41 दिनों तक सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाते हैं तो उससे भी आपकी कई मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी व आपका जो है शनि जनित आपके दोष जो है वो दूर होंगे। यदि आप किसी रोग से परेशान हैं, यदि आप रोगी हैं तो आपको तिल के तेल का जो दीपक है 41 दिन तक लगातार आपको पीपल के पेड़ के पास में जलाना चाहिए। यदि आप 41 दिन तक लगातार जलाते हैं तो आपका रोग तो ठीक होगा ही और कई मनोकामनाओं की आपकी को सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तो इसको आपको जलाने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आपके व्यापार में मंदी चल रही है तो उसके लिए आप जो है सरसों के तेल का आप एक प्रयोग कर सकते हैं। एक जो है कांच की एक शीशी ले लें, छोटी सी साफ शीशी, उसमें आप सरसों का तेल भर लें और उसके बाद में उसे बहते हुए पानी में आप यदि प्रवाहित कर देते हैं तो फिर आपके व्यापार में किसी प्रकार की कोई भी मंदी है तो वो आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि आप नया मकान बनाना चाहते या नया मकान खरीदना चाहते, आपके अंदर एक जिज्ञासा है, आपके अंदर कई समय से हर व्यक्ति की जो है आशा होती है कि उसका खुद का घर हो और आप यदि चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पा रहा है तो यह उपाय आप करके देखें तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए नए घर खरीदने का आपको जो है मौका मिलेगा। करना क्या है, शमी के पौधे के पास जो है लोहे के दिए में आपको सरसों का तिल और उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल करके एक काले धागे की बत्ती बना करके आपको पूरे आठों दिशाओं में
मतलब ये चार दिशाएं हो गई और इसके बाद में जो आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण होते हैं, ऐसे चारों दिशाओं में शनि के समी के पेड़ के चारों आठों कोनों पर आपको जो है सरसों के तेल में थोड़ी सी काली तिल डाल करके या काला तिल जो है तेल डाल करके दोनों को मिक्स करके यदि आप दीपक जलाते हैं तो फिर आपके नए मकान बनने की उम्मीद आपकी जगेगी, आपकी नई मकान आपका बनेगा। घर में सुख शांति के लिए आप जो है आटे और सरसों का तेल मिला करके आप किसी को मंदिर में यदि आप दान करते हैं तो आपकी जो है घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको कुछ तेलों के माध्यम से बताया कि तेल के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं की पूरी कर सकते हैं, और यह प्रायः ज्योतिषियों के माध्यम से कई प्रकार के उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इतना सारा यदि हम उपाय बताने के लिए जाएंगे तो वीडियो चूँकि लंबे हो जाते हैं, और बार बार शिकायत आती है कि आचार्य जी वीडियो बड़े लंबे हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाएं, तो इस कारण से हमने आपके लिए 5-6 ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं और बहुत शॉर्ट में बताए हैं, क्योंकि लंबे में बताने से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है। तो आशा है मित्रों यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, और यदि आप भी इन परेशानियों से ग्रसित हैं तो यह उपाय आप अपने जीवन में जरूर करके देखें। मकान चाह रहे हैं या रोग से ग्रसित हैं या जो भी समस्या हमने बताई है, शनि से परेशान है, तो आप इन उपाय को करके देखें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को मित्रों यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसे लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कृपा करें। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के जीवन पर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।